तो आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज का छोटा पूर का एपिसोड नंबर 12 पर। भाई सर कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा हो गया क्या यार? हाँ अच्छा ठीक है, इतना तो चलता है भाई। अच्छा ठीक है, तो आपने लास्ट वाली वीडियो देखा है ना? नहीं। तो उसमें मैंने बनाया था विलेजरों के लिए एक मस्त वाला टाउन हॉल, जो कि विलेजर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे उसके बाद। तो मैंने उन लोगों के लिए काफ़ी मज़ेदार वाला टाउन हॉल बना दिया। आपने उस वाली वीडियो नहीं देखा तो जाके ज़रूर से चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ मैं। तो आज की इस वाली वीडियो भी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हील के साइड में एक रेड बटन है, दबा दिया। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं कराने वाला हूँ मेरे वाली टाउन हॉल में एक रेड। अबे ये क्या बोला तूने लोबड़े? दो घड़ी का फोन रखे है तू, दो घड़ी का तू है तू, हमारे ऊपर रेड करवा के एक्सपेरिमेंट करेगा क्या? हमारी मौत को दावत दे रहा है तू लोबड़े कही के? अभी रेड को बंद कर, नहीं ना ऐसे मारूंगा ना तू जन्नत में याद रख लेगा बेटा, सोच ले पहले। अरे ऐसे क्यों बोल रहे विलेजर भाई, मैं आपको बचाने के लिए रेड करा रहा हूँ यार, आप मेरे ऊपर डांट रहे हो ऐसे क्यों भाई? अच्छा तुम बचाने के लिए कर रहे हो, मैंने सोचा कि तुम मेरे लिए टोटम चाहिए तो तुम हमारे मौत के वजह से तुम टोटम कमाओगे कह के सोच रहा था यार। सर ठीक है, हमको बचाने के लिए तो मैं ओके कहूंगा तुमको। अरे टोटम के लिए थोड़ी ना करूंगा मैं, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ भाई। टोटम किसी को चाहिए यार, मैं टोटम वोटम के लिए नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं। ऐसा तो तुम करा सकते हो रेड को। अरे विलेजर भाई को तो गुस्सा आ गया यार, मैं छोड़ो मैं भाई टोटम के लिए तो रेड करता हूँ मैं, विलेजर भाई को तो ऐसा वैसा बोल दिया मैंने, टोटम के लिए तो रेड कर रहा हूँ मैं। तो रेड करने से पहले मुझे चाहिए होता है एक मस्त वाला स्वॉर्ड, तो इसलिए मैं अब स्वॉर्ड को एन्चेंट करने वाला हूँ। शार्पनेस 4 मिल रही तो ठीक ठाक ही है शार्पनेस 4, लेकिन उसके साथ कुछ और भी मिल जाएगा तो मस्त रहेगा। तो यहाँ पे रखता हूँ मैं शार्पनेस 4 के साथ साथ अनब्रेकिंग मिल जाएगी, तो नहीं यार शार्पनेस 4 ही मिला। ठीक है मैं इसको डिसएन्चेंट करता हूँ, उसके बाद फिर से दूसरी देखता हूँ। ओके इतना खास तो नहीं मिला, सिर्फ पेन ऑफ ऑथर पॉट्स मिला है भाई मुझे, शार्पनेस 4 ही रख लेता उसके बदले में। पेन ऑफ ऑथर पॉट्स के साथ मुझे मिला था नॉक बैक 2, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इन मॉब्स को सिर्फ स्पाइडर्स के अलावा। तो अब मुझे जाना है एक प्लेजर आउट पर ढूंढने के लिए, तो फटाफट से प्लेजर आउट पर ढूंढता हूँ तो उसके बाद देखता हूँ। लेकिन वेट एक सेकेंड, मैं यहाँ पे थोड़े बहुत फेंसेस को लगाना चाहता हूँ क्योंकि ये लीव्स को हटा देंगे और मेरे क्रॉप्स को तोड़ देंगे जब वो रेवेजर आएगा। तो मुझे यहाँ पे लगाना है फेंसेस, तो फटाफट से थोड़े बहुत फेंसेस को क्राफ्ट करके लगा देता हूँ यहाँ पे। ओके गाइस मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका हूँ प्लेजर रोड पर ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ पे मुझे अभी तक प्लेजर रोड पर मिला नहीं है, तो आगे चल के देखता हूँ मैं। तो वहाँ पे वेट, ये क्या मिल गया भाई मुझे यार? 1.20 का सबसे ब्यूटीफुल बायोम चेरी ब्लॉसम बायोम मिल गया मुझे यार फाइनली। भाई मैंने निकला था प्लेजर आउटपोस्ट के लिए और यहाँ पे मुझे मिला है चेरी ब्लॉसम वाला जगह। मैं इसके सैपलिंग्स लेके चल के मेरे विलेज में लगाऊंगा, तब मस्त चमकेगा मेरा विलेज और भी। तो इसको तोड़ सकता हूँ ना? हाँ ये मिलेंगे मुझे, तो थोड़ा बहुत सैपलिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ से निकलता हूँ मैं फटाफट से। ओके गाइस मुझे यहाँ पे फाइनली मिल चुके चेरी ब्लॉसम के सैपलिंग्स, तो ये रहे वो दो सैपलिंग्स। तो फटाफट से मैं अभी से लेता हूँ एंड प्लेजर आउट पर शुरू हूँ। ओके यार यहाँ पे क्रीपर ब्लास्ट हो गया, बेफालतू में आगे ब्लास्ट हो जाता है क्रीपर नूबड़ा कहीं का। तो यहाँ से फटाफट से मैं चलता हूँ प्लेजर आउट पर ढूंढता हूँ। गाइस फाइनली मुझे मिल चुका है प्लेजर आउटपोस्ट एंड वो रहा कैप्टन, दिख रहा है मुझे यहीं से, एंड यहीं से मुझे इस एरो को मार देता हूँ, उसको फटाफट से शील्ड यहाँ पे रख लेता हूँ एंड चलता हूँ मैं उसको कैप्टन को मार के ना फटाफट से ये बैडमैन इफेक्ट लेके आता हूँ। ये चेले चपाटे को मारता है, मेरा निशाना काफ़ी ज़्यादा कच्चा है यार। ये लो अरे यही आ गया मेरे पास, ले ये ले और ये भी ले मार, और तू भी ले भाई, तू कहाँ आ रहा है तू भी ले। अरे बारिश हो गई यार, तुम जलोगे नहीं इससे, ठीक ठाक जलोगे यार। चलो अब कैप्टन को मार के हम लोग यहाँ से बैडमैन इफेक्ट लेके चलते हैं।
इसमें जा ही रहा था, मैंने फटाफट से यहाँ पे आके देखा अलेस मिल चुके हैं भाई मुझे यहाँ पे। भाई इनको ले चलता हूँ मैं घर में, फटाफट से घर ले चलता हूँ इन लोगों को। तो यहाँ से इन लोगों को फटाफट से ये दे देता हूँ, चलते हैं अब घर। चलो ये ज़ॉम्बी आ गया यार, हट पीछे, हट पीछे हट तू। हाँ लो फटाफट से खाना लो और चलो मैं मिलता हूँ आपको घर के पास। 2000 years later ओके गाइस फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, एंड आप एंजॉय करना आप रेड को मैं कैसे करता हूँ कह के। तो चलो इस वीडियो को एंजॉय करना आप लोग। ओके गाइस रेड की विक्ट्री यहाँ पे फाइनली हो चुकी है। तो आपको ये वाली वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो काफ़ी मेहनत से वीडियो बनती है तो आप लोग सपोर्ट देते नहीं हो, लास्ट वाले वीडियो में भी आप सपोर्ट नहीं किया भाई इतना अच्छा सा। तो प्लीज़ इस वाले वीडियो में सपोर्ट दिखाना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।